बहनों और बेटियों, दादी माँ के चैनल में आप सबको प्यार भरा मेरा नमस्कार। ठीक है, आप दादी माँ के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शकरकंदी के पिटुआ बनाने जा पुए बनाना सिखाऊंगी। जो घर में है ना, शकरकंदी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ठीक है, और घर पे अपने बना के आप खा सकते हो, ठीक है, और बड़े बुजुर्गों को आप खवाओ, बहुत अच्छी लग बनती है। मैंने आधा किलो शकरकंदी ली है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाने हैं। ये चक्कू की मदद से इसको छील लेनी है, ऐसे करके मैं छील के आपको बताती हूँ। मैंने अब इसमें क्या करेंगे, दो दो भाग बना लेंगे, जो कि है ना ये आसानी से अपनी कुकर में उबाली जाए, ऐसे करके इसको दो दो भाग कर लेंगे इसके। और शकरकंदी जितनी मोटी होगी उतना ही अच्छा बनेगा, क्यों इसमें धागे नहीं होते, पतली शकरकंदी में धागे होते हैं। जब कभी बनाओ आप, थोड़ी बना के देखना, ठीक है, अच्छा लगे तो आप फिर बनाना। तो इसको ऐसे है ना दो भागों में काट लेनी है, पतला कर लेना है ये। अब मैं इसको, अब मैंने इसमें रख दी, मैं दो सीटी लगाऊंगी, दो सीटी के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो, मैंने शकरकंदी है ना उबाल ली, उबाल के मैंने छील ली है, ठीक है। अब इनको मैं मिक्स करूँगी ऐसे करके, है ना, हाथ के से है ना इनको ऐसे करना है। इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल करके, अगर पानी डालोगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये आधा किलो शकरकंदी पाया चीनी ली है मैंने। अब मैंने इसको क्या, थोड़ा मिक्सी में चला लिया, थोड़ा पीस लिया, इसको महीन कर लिया ये, ठीक है। ये पाया चीनी मैं इसमें पूरी ऐड करूंगी, थोड़ी पीस के डालेंगे ना तो अच्छी तरह है ना मिक्स हो जाएगी ये। अब इसमें उतना ही आटा डालूंगी जितना आटा इसमें पड़ेगा। मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूंगी, 5 मिनट बाद फिर मैं आपको बेल के बताती हूँ। याद के रखना इसको 5 मिनट के लिए। इसको बेलूंगी, थोड़ा पतला इतना बेलूंगी, ज्यादा ना तो मोटे रहे ना पतले, इस आकार में बेलूंगी। ज्यादा मोटे नहीं रखने ना ज्यादा पतले करने हैं। पोले हाथों से बेलना बिल्कुल करके, इनको ऐसे करके है ना, पोले पोले हाथों से। थोड़ा
थोड़ी तेल की मदद लेने पड़ती है इसको, है ना, हल्का सा। क्यों? ये है ना नरम ज्यादा है। बेल लिए हैं, अब मैं कढ़ाई ऑन कर ली है, पर है ना रिफाइंड में स्वाद नहीं बनते। जितना सरसों के तेल में स्वाद बनते हैं उतने रिफाइंड में स्वाद नहीं बनते, करारे बनते हैं। हम 250 ग्राम मैंने तेल लिया है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह गरम करेंगे, जब इसमें धुआं निकल जाएगा, जब गैस को लो कर लेंगे, तब तक मैं बाकी के ये भी बेल लूं। ये तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है, इसमें अच्छी धुआं निकल गया, तेल पूरा परफेक्ट गरम हो चुका है। अब इसको मैंने लो गैस 5 पे कर दिया, बिल्कुल लो कर दी गैस, ठीक है, धीमी आंच पे सेंकूंगी मैं इसको। ये मैंने शकरकंदी के पुए बना करके तैयार कर दिए, ठीक है। आप भी शकरकंदी मंगाओ मार्केट से, आराम से बनाओ, बहुत स्वाद बनते हैं, बहुत टेस्ट बनते हैं, ठीक है। बड़े बुजुर्गों को खवाओ, बहुत नरम बनते हैं बिल्कुल करके, ये जमई नरम है, ये जमई, ये है ना जमई नरम है, ठीक है। और सभी प्यार से खाते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी प्यार से खाते हैं इसको, बहुत अच्छे बनते हैं ये। आप भी घर पे बनाना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दादी माँ के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू, नमस्कार।